हेलो टू ऑल, सभी को मेरी ओर से नमस्ते, राम राम। आज का जो हमारा प्रोडक्ट है जिसको हम रिव्यू करने वाले हैं वो है ये खादी का साबुन। इट कंटेन्स एलमंड मिल्क एंड सैफरॉन। एलमंड मिल्क यानी कि बादाम का जो दूध है वो, और सैफरॉन मतलब केसर इसके अंदर है, ठीक है, एज दे आर क्लेमिंग। और ये खादी इंडिया का लोगो है, खादी इंडिया ने बनाया है। हैंडमेड है, लग्जूरियस बेथिंग बार विद एसेंशियल ऑयल्स, तो हाथों से बनाया गया साबुन है। जिसका प्राइस है, जिसका दाम है वो है 120 रुपये। और ये है इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एंड इतने 2025 से पहले इसको ख़त्म कर देना है, यानी कि यूज़ कर लेना है हमने। तो इसकी जो पैकेजिंग थी वो बहुत ही, मतलब लग रही थी कि ऑर्गेनिक है, तो इसीलिए मैंने ले लिया। पेपर पैकेजिंग थी, लेकिन आफ्टर टियरिंग दिस अप, यहाँ पे जब मैं खोलने लगी तो देखा भाई अंदर भी इसके क्या है, प्लास्टिक पैकेजिंग कर रखी है इन्होंने। इस साबुन के जो सबसे ज़्यादा दो बड़े ड्रॉबैक्स हैं वो है कि प्लास्टिक की पैकेजिंग है, और दूसरा कि बहुत ज़्यादा हाई प्राइस है। खुशबू की बात की जाए तो बड़ी ही हल्की सी खुशबू है, ना ज़्यादा तेज़ ना बहुत ही ज़्यादा कम, और माइल्ड सी खुशबू है। मतलब अगर जिनको स्ट्रॉन्ग स्मेल अच्छी नहीं लगती उनके लिए ठीक है। दिखने में तो अच्छा लग रहा है, लग भी रहा है जैसे कुछ कुछ केसर डाल दिया हो थोड़ा बहुत। अगर इस साबुन को आप डेली यूज़ करोगे तो 15 से 20 दिन के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा, पानी के अंदर बहुत जल्दी मेल्ट होता है। स्किन टाइप की बात की जाए तो इसको यूज़ करने के बाद, अगर जैसे मेरी ड्राई स्किन है तो एक्सेसिवली ड्राई स्किन नहीं हुई, नॉर्मल स्किन रहती है, ईजिली वॉश ऑफ हो जाता है साबुन, तो बाकी साबुन के जैसे नहीं है। कुछ साबुन होते हैं जिनको आप यूज़ करते हो और स्किन पे वो स्टिकी 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 सा फीलिंग देते हैं, वैसा नहीं है, इजीली वॉश हो जाता है। इट इज़ सूटेबल फॉर बोथ, ऑयली हो या फिर आपकी ड्राई स्किन हो, दोनों यूज़ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इस साबुन को एक ट्राई तो दिया जा सकता है, बाकी आपकी चॉइस है। मिलते हैं अगली वीडियो में।